लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? ऑनलाइन फूड होम एट होम के साथ मैं हूं आपकी दोस्त। सबसे पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं, काइंडली वो अपना हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के इतने सारे प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि कुछ वेजिटेबल्स में बनाना सिखाएं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं टींडे। टींडे तो हर घर में बनते हैं, लेकिन इस तरह के नहीं। आज हम आपको एक नए तरीके से टींडे बनाने जा रहे हैं, जो के हैं भरे हुए टींडे। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो इसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो टींडे, जो के दरमियाने साइज़ के हैं, ना ज़्यादा बड़े लें और ना ज़्यादा छोटे। इनको हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब हम इनकी फिलिंग के लिए इनको रेडी करेंगे और इनकी फिलिंग का मसाला रेडी करेंगे और हंडिया के लिए बाकी चीज़ें रेडी करेंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, जो हमने हंडिया के लिए मसाला बनाना है, उसके लिए हमने लिए हैं 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज, जो कि हमने इनको स्लाइसेस में काट लिया है। 2 अदद टमाटर, जो कि हमने नॉर्मल साइज़ के, जो कि हमने इस तरह स्लाइसेस में काट लिया हुआ है। 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और मसाले में हम लेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मोटी मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, थोड़ी सी हमने कलवंजी ली है। कलवंजी हम यूज़ किया करें, ये सुन्नत नबवी है और हर चीज़ की बीमारी का इसमें हल है। और हल्दी ली है, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है। ये सब हम लेंगे अपने हंडिया की मसाले के लिए। अगर आपके पास मोटी मिर्च नहीं है तो आप हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं और या लाल मिर्च ज़्यादा ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो आए हम सबसे पहले हंडिया का जो मसाला है वो रेडी करते हैं। जी व्यूवर्स, हमने 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो ऑयल लिया है, घी ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें। एक पैन में लिया है, नॉर्मल फ्लेम हमने रखी है। इसके अंदर हमने सबसे पहले अपना जो है चॉप किया हुआ प्याज जो है, जो हमने स्लाइसेस में काटा था, वो लेंगे और हम इसको जो है मीडियम फ्लेम पे हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। नॉर्मल फ्राई करेंगे हम इसको, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो आए हम देखते हैं। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो प्याज है उसने कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, लाइट ब्राउन सा हो गया है। अब हम इसके अंदर अपना अदरक लहसुन का जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डालेंगे और जो ऑनियन हमने जो टमाटो हमने स्लाइसिस करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब तक हमारे जो टमाटर हैं नरम होंगे, मेल्ट होंगे, तब तक हम इसके अंदर अपने जो मसाले हमने रखे थे वो सारे डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके भून लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी नरम हो जाएं और मसाले भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक ढाँप के रख देंगे, ताकि जो है प्याज और टमाटर जो है वो नरम हो जाए। जैसे कि 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर नरम हो चुका है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके स्टोव ऑफ कर देंगे। और आइए अब हम चलते हैं अपने मिक्सचर की तरफ, जो हमने टींडों में फिलिंग करनी है उसके मिक्सचर की तरफ चलते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने जो टींडे हैं वो धोकर और इनको ऐसे छील लिया है पिलर से। आप कोशिश करें कि इनके जो पिलर से इनको उतारें या छुरी से उतारें तो बहुत ब्रीक ब्रीक इनके जो छिलके हैं वो उतारें। इसकी फिलिंग के लिए हम ले रहे हैं थोड़ा सा पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्चें, नमक, सूखा धनिया, अजवाइन, ज़ीरा, चाट मसाला और नमक। बाकी चीज़ें हम लोग 1-1 टीस्पून ली है, जबकि चाट मसाला हमने 1 टेबल स्पून लिया है। ये सब मिक्स करके हम फिलिंग करेंगे। तो आइए हम अब आपको फिलिंग का तरीका बताते हैं। जी व्यूअर्स, टींडों की फिलिंग के लिए हम सबसे पहले इनको कट करेंगे। मिनिमम थोड़ा सा हम इसका कट करके इसका जो है ये कैप लिड जो है वो उतार लेंगे और उसके बाद हम स्पून के साथ कोई भी टी स्पून लेके हम इसको इसकी जो ये फिल अंदर का जो मटेरियल है वो सारा हम खाली कर लेंगे।
ज़्यादा खाली भी मत कीजिएगा साइड से, ताकि वो बिल्कुल बारीक ना हो। जैसे स्पून से आप इसको घुमा घुमा के, ये देखें हमने ये सारा मटेरियल इसका निकाल लिया है और ये काफ़ी हद तक इसकी साइड्स और सेंटर खाली हो चुका है। इसी तरह हम अपने जो सारे टींडे हैं इनके ऐसे हेड उतार लेंगे और अच्छी तरह ऐसे ये स्पून देखें, ये स्पून चला चला के हम इसकी जो है साइड्स और अंदर से खाली कर लेंगे। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने जो अपने सारे टींडे हैं ये देखें स्पून के साथ इनकी फिलिंग कर ली है, किनारे ज़्यादा बारीक नहीं किए ताकि फिर वो उसके टूट ना जाए। ये देखें ये हमने सारे अपने जो हैं करके इनका कैप ऊपर रख लिए हैं। ये सारा हमने इसके अंदर का मटेरियल निकाल लिया है। अब हम इसको सारे मटेरियल को चॉप करके इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। आप चाहें तो आप इसके लिए रॉ मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं, कच्चा आम जिसे कहते हैं या अंबी जिसे कहते हैं, आप उसको भी यूज़ कर लें। इट टेस्ट लाइक वेरी यमी। जी अब हम इसके अंदर अपना सारा मटेरियल डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे। ये जो हमने इसके अंदर से टींडों के अंदर से मटेरियल निकाला था वो तीन से चार हमने हरी मिर्चें ली हैं, इनका लिड उतार के ये डाल लेंगे। ये हमने कटिंग करके रखी थी। थोड़ा सा हमने ये पुदीना लिया है, एज अ स्मेल बहुत अच्छा आएगा। और ये जो हमने बाकी मसाले लिए थे ये डालेंगे। इसके अंदर हम नमक मिर्च जो है अकॉर्डिंग टू टेस्ट से थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि जो इसके अब जब ये इसके अंदर फिलिंग हो जाएगी तो वो फिर टेस्ट उसका जब हम उसको तोड़ेंगे तो जब हमारे पास टींडा आएगा तो उसकी वजह से वो टेस्ट थोड़ा नमक मिर्च कम हो जाएगी, तो हम इसके लिए थोड़ा नमक मिर्च ज़्यादा लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह जो है वो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मसाला रेडी है। आप चाहें तो आप इसको सिल पे भी पीस सकते हैं। अब हम एक एक करके अपने जो टींडे हैं इनकी फिलिंग करेंगे और फिर हम इनको सी लेंगे। ये देखें बिल्कुल नॉर्मल मसाला हम डालेंगे, ज़्यादा भरेंगे नहीं कि वो ओवर हो, और बिल्कुल हल्का भी नहीं रखेंगे। देखिए हमने इक्वल कर लिया, इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें ताकि ये, और ये इसका कैप। इसी तरह हम जो है अपने बाकी सारे जो टींडे की फिलिंग है। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपने जो टींडे हैं वो सबकी फिलिंग करके ये कैप्स लगा दी हैं। अब हम इनको सी लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ताकि जो है ये जब हम इनको मसाले में डाल के जब फ्राई पहले फ्राई करें या मसाले में डालें तो ये हमारे के कैप अलग हो के ये मैश ना हो जाए। तो आए हम आपको इसका तरीका सीने का बताते हैं। ये हमने एक नीडल ली विथ थ्रेड, थ्रेड के लास्ट में हमने ये इस तरह इसको धागे को बांध लिया और अब हम इसको सी लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से सियेंगे, ज़्यादा हार्ड हैंड नहीं करेंगे ताकि ये फट ना जाए। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको सी रहे हैं। आप चाहें तो आप जो है वो टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। आप चाहें तो आप इसको वैसे ऊपर भी धागा इसके अच्छी तरह रुबेट सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो इसका ये स्टिच करने का ही है, इससे ये खुलते नहीं हैं। ये देखिए तीन से चार इसके जो हैं ये टांके लगेंगे और जो है हमारा जो टींडा जो है वो ऐसे ही देखें स्टिच हो जाएगा। और अब हम इसको धागे को पक्का करके कट कर लेंगे। इसी तरह जो है हम अपने बाकी जो टींडे हैं उनको भी स्टिच कर लेंगे। तो आए हम स्टिच करते हैं। जी व्यूवर्स, जैसा कि देख रहे हैं हमने अपने टींडे फिल करके उनको स्टिच कर दिया है कि किसी को ये जो है ये देखें थोड़े से हमने जो है वो सुई धागे से स्टिच किया और कुछ पे हमने धागा चढ़ाया। आपको धागा चढ़ाने का भी तरीका बता दें। ये देखें ये हमने अपना एक टींडा लिया फिलिंग वाला, ये धागा ये देखें ऐसे करके आप इसको थोड़ी थोड़ी साइड चेंज करते जाएँ और इसको अच्छी तरह जो है ना वो धागे को मूव करते जाएँ। ये देखें काफ़ी सारा धागा हमारा हो गया है और ये हो गया। अब हम इसका थ्रेड को जो है वो कट कर देंगे। व्यूवर्स, अब हम एक पैन में कुछ ऑयल लेंगे इसको फ्राई करने के लिए, घी ऑयल जो आप यूज़ करना चाहें। ये देखें ये काफ़ी हद तक हीट अप हो चुका है, नॉर्मल फ्लेम पे हमने हीट किया है और हम नॉर्मल फ्लेम इसके रखेंगे। अब इसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर जो अपने टींडे हमने फिल किए थे वो रख के इनको फ्राई करेंगे। बहुत एहतियात से
जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट के ज़रिए बताते रहें कि हम आपके लिए कौन सी नई नई रेसिपीज़ बनाएं। इसको हम कोशिश आके देखें, ये देखें ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स जो हैं वो चेंज करेंगे ताकि ये चारों साइड से फ्राई हों। बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम हम रखेंगे ताकि ये जल ना जाए। इसी तरह हम इन सब की साइड्स जो हैं वो चेंज कर लेंगे। आप इनको स्टिच अपने मर्ज़ी के तरीके से कर सकते हैं, जो सा तरीका आपको सही लगे। अब हम दो से चार मिनट इनको इसी तरह रहने देंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाएं। फिर हम इनकी इस तरह साइड बदल बदल के इनको फोर साइड्स इक्वल ब्राउन कर लेंगे। कोशिश करें कि आप स्पून इनमें कम से कम चलाएं और इनको। जी व्यूवर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो टिंडे हैं अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। हमने ऐसे हिला हिला के इनको फोर साइडेड फ्राई कर लिया है। ज़्यादा हम इनको ब्राउन नहीं करेंगे कि वो जले के टेस्ट आए। जो लोग टिंडे नहीं खाते उनके लिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहें और कमेंट सेक्शन में बताएं मज़ीद हम आपके लिए और कौन कौन सी रेसिपी बनाएं। ये देखें, ये हमारे जो फिलिंग कट होकर टिंडे रेडी हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हमने जो मसाला बनाया था अब हम ये अपने टिंडे यहाँ से उसके मसाले के अंदर डाल के अच्छी तरह ज़रा मिक्स कर लेंगे। तो आए देखिए व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हमने मसाला पहले बनाया था इसके अंदर हमने अपने टिंडे डाल लिए हैं जो हमने भी फ्लिंग करके फ्राई किए थे। अब हम इनको सिर्फ हल्के हाथ से एक बार मिक्स करके छोड़ देंगे। ज़्यादा चम्मच मत चलाइएगा, ये जो है टिंडे ये सारे खुल जाएंगे। थोड़ा सा हम इसको सेक लगने देंगे, सेक लगने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आए देखते हैं व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पकना शुरू हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको इस तरह मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल जो टीस्पून है गरम मसाला, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल के इसको एक बार फिर इसी तरह मिक्स करके ये देखें। और अब ये हमारी जो भरे टिंडे फिलिंग वाले टिंडे रेडी हैं। अब आप इसको सर्व करें, रोटी के साथ खाएं और इसी तरह हमारा चैनल देखते रहें ऑनलाइन फूड एट होम और अपना प्यार इसी तरह देखते रहें। काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और कमेंट के ज़रिए हमें बताएं हम आपके लिए और कौन सी मज़े मज़े की रेसिपीज़ लाएं। तब तक के लिए अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।